जादुई शीशा। जेनी अपनी नानी के घर रहने आई हुई थी। उसकी नानी दूसरे शहर में अकेली रहती थी। जेनी को अपनी नानी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसकी नानी के पास पुराने सामान का बहुत बड़ा खजाना था। नानी को जब भी समय मिलता तो वह जेनी को उनसे जुड़ी पुरानी कहानियाँ सुनाया करती। उसकी नानी एक चर्च में लगी सेल के लिए मदद कर रही थी, इसलिए उन्हें अपने साथ बहुत सी पुरानी चीज़ें लेकर जानी थी। नानी के घर में एक अलमारी थी, उस जिसमें बहुत सी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। जेनी को बहुत सारे पुराने सामान में से पुराने कपड़े, संदूक, फर्नीचर, खिलौने और कई तरह की कलात्मक चीज़ें आदि तलाशनी पड़ी। उसकी नानी ने उसे समझा दिया था कि जो चीज़ें काम की हैं उनका ढेर बना दें, ताकि उन्हें ले जाकर बेचा जा सके। उनमें कोट, हैट, छड़ी, जूते, टेबल फैन, कुछ कपड़े, पर्दे, एक छोटा मेज, सूखे फूल और एक बड़ा कटोरा भी था। तभी उसे हाथ में पकड़ने वाला एक छोटा शीशा मिला। वह किनारों से कुछ पुराना हो चुका था, लेकिन था बिल्कुल साफ। उसने उसमें अपना चेहरा देखना चाहा, लेकिन उसे उसमें कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उसे शीशे में अपनी परछाई दिखाई दी और कुछ देर बाद वह गायब हो गई। फिर उसने शीशे में बहुत सारे रंग देखे। उसने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, इसमें आसमान की परछाई तो नहीं पड़ रही है। वह हैरान थी, लेकिन नहीं दिखाई दे रही थे जो बदल रहे थे और गुल मिल रहे थे। उसने शीशे में देखा कि उसकी नानी किचन में चाय बना रही है। फिर उसने अपनी मम्मी के बारे में सोचा और देखा कि वह फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। यह तो जादुई शीशा है, उसने अपने आप से कहा। मैं जो कुछ भी सोचती हूँ वह मुझे इसमें दिखाई देता है। कितना जादुई है यह सब। जेनी ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों के बारे में सोचा और उन्हें शीशे में देखकर उसे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि वह देख पा रही थी कि कौन क्या कर रहा है। यह तो वास्तव में एक मज़ेदार शीशा है। अब वह जब मन होता उसमें देखती और मज़े लेती। उस शीशे को जेनी ने अपने बैग में संभाल कर रख दिया लिया था। एक दिन जेनी को उसमें नानी की कोई पड़ोसन दिखाई दी। उसने उसका घर देखा। यह औरत घर के मुख्य दरवाजे से बाहर आई और उसे बंद करके ताला लगा दिया। वह हाथ में एक बैग लेकर बाहर चल पड़ी। तभी जेनी को उसके घर के पिछले दरवाजे पर एक आदमी दिखाई दिया। उसने घर के दरवाजे का ताला तोड़ा और चीज़ें चुरानी शुरू कर दी। वह सारी चीज़ों को एक बोरे में भरता जा रहा था। जेनी को समझ आ गया कि वह कोई चोर है। जब तक जेनी अपनी नानी को बताने गई, तब तक वह उस बोरे में एक लैपटॉप और कैमरा रख चुका था। उसकी नानी ने फौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और उन्होंने उस चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने नानी से हाथ मिलाया और बताया कि जेनी बहुत होशियार है, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि यह जेनी के जादुई शीशे का कमाल है। इसके बाद भी जेनी अपने जादुई शीशे की मदद से दूसरों की भलाई करती रही। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसके पास एक जादुई शीशा है। वह जानती थी कि ऐसा करते ही शीशे का जादू गायब हो जाएगा और वह लोगों की मदद नहीं कर पाएगी। धन्यवाद।